हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने दूसरे दिन करंट अफेयर्स के शो पर वापस हाजिर हैं आपके सामने। 15 अक्टूबर ट्यूसडे की आज सारी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही प्यारा रहने वाला है आपके लिए, बहुत ही ऐसी चीज़ें जो आपके काम की होने वाली हैं। मैंने आज के सेशन में गवर्नर्स की लिस्ट भी ऐड की है, जो आपको याद करने चाहिए, जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। उसके बाद मैंने उसमें कुछ स्टैटिक भी डाला है, जैसे कंट्री कैपिटल करेंसी वगैरह डाली है। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, नोबेल प्राइजेस, जो भी हाल ही में फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, अन्य चीज़ों में जो नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद जो आप लोग को न्यूज़ मिलनी है वो अलग मिलनी है, ठीक है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आगे अपना। पहली न्यूज़, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे बड़ी आज की है, जो मैंने आप लोगों से कल कही थी कि आज हम वो आपके लिए वो लाए हैं, एक नई चीज़ एम सी क्यू इन द सेंस कि जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। हम अब सीधे ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिसी ने वेटिकन सिटी में एक समारोह में भारतीय नन .. और चार अन्य संत घोषित किए हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता है इसका आंसर, कल ही हमने पढ़ाया था। पहला है मैक्सिमा, लवलीना बोरगोहाई, मंजू रानी, मरियम थ्रेसिया या जमुना बोरो। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों ऑप्शन मैंने आपके लिए इस तरीके सेट करके रखे हैं कि हर एक ऑप्शन किसी न किसी क्वेश्चन से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे हमारा जो आंसर होगा, डी आंसर होगा, मरियम थ्रेसिया, वो नन थी जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमा कौन है, नीदरलैंड की रानी है जो 5 दिन के विजिट पे इंडिया पे। लवलीना बोरगोहाई और जमुना बोरो, ये दोनों वो नाम हैं जिनको अभी महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, और मंजू रानी जिनको सिल्वर मेडल मिला, जो फाइनल पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नीदरलैंड के एलमियर में किसने डच ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का सिंगल्स का खिताब जीता है। तो इसका ऑप्शन हम जान रहे हैं, हमने कल पढ़ा था, लक्ष्य सेन, इसी ओपन में पी कश्यप जो पहले बाहर हो चुके थे, और जमुना बोरो को आपने मैंने अभी बताया कि इन्हें महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला है। और एक जो ऑप्शन है यूसुके ओनोडेरा, ठीक है। इस ऑप्शन के बारे में आप जान रहे होंगे कि लक्ष्य सेन जिन्होंने बैडमिंटन का वो जो मैच जीता है वो इन्हें ही हरा करके जीता है, और ये थे कहाँ के, जापान के, कहाँ के थे, जापान के साथ। मैंने आप लोग कल बताया था एक्सरसाइज भारत की कौन कौन सी, धर्म गार्जियन, ठीक है, जो कि अभी होनी है, जो कल मैंने रिपोर्ट डेट बताई थी उसकी। मालाबार जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो इंडिया की है, जापान और यूएसए की है। और तीसरी एक्सरसाइज जो थी हमारी, मैंने कल क्या बताया था आपको, शिन्यू मैत्री, ठीक है, कौन सी थी, शिन्यू मैत्री। ये तीन एक्सरसाइज हम जापान के साथ भारत की होती है, ठीक है। और जापान रिलेटेड और फैक्ट्स हम जानेंगे, यहाँ की जो कैपिटल है टोक्यो है, करेंसी यहाँ की येन चलती है, टोक्यो येन। ये सारे फैक्ट्स आप लोग देखिए, मैं जो बोलता हूँ नोट करते चला करिएगा, ठीक है। नहीं याद आता तो पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा। जापान की जो स्पेस एजेंसी, उसका नाम क्या है, जैक्सा, JAXA, जैक्सा, ठीक है। और क्योंकि ये न्यूज़ में भी रही थी इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इतने स्टडी फैक्ट इंटरलिंक जो मैं कर पा रहा हूँ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, बाकी की चीज़ें आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे चीज़ें याद आती जाएंगे वैसे सेशन में आपको बताते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसको 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक मिला है, किसको मिला था, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया इसका आंसर, मंजू रानी को, जो ऑप्शन डी है ये। बाकी ये सारे ऑप्शन आपको पता है, मैरी कॉम का नाम मैंने नहीं बताया था, 6 बार की ये मतलब विजेता रही हैं, कांस्य पदक इन्हें मिला है, और क्या कहते हैं, ये अब तक की सबसे सफलतम खिलाड़ी रही हैं महिला विश्व मुक्केबाजी में भारत की ओर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ADB ने राजस्थान में सड़क निर्माण परियोजना के लिए कितने करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मैंने आप लोग कल बताया था इसका आंसर, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, ऑप्शन आप लोग बी इसमें सही करिएगा, ये 9 करोड़ नहीं, ये 19 करोड़ कर लीजिएगा, 19 करोड़ के मतलब ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। किस लिए हुए थे, वहाँ पे सड़क निर्माण वगैरह के लिए। सड़क निर्माण किसके अंतर्गत आता है, नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और वो किसके पास है, नितिन गडकरी जी के पास एक जो क्या कहते हैं, एक मंत्रालय और कौन सा है, याद करिए आप लोग, मैंने कल बताया था आप लोगों को, एमएसएमई का कंडीशन क्या है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो किसे कहते हैं, जो कितने तक होता है, 5 करोड़ तक, स्मॉल 75 करोड़ तक, और मीडियम जो होता है 250 करोड़ तक। मैंने कल आपको बताई थी चीज़ें, ये चीज़ें इंटरलिंक ऐसे कर लिया करिए, ठीक है। अगला, किसने घटा भारत का ग्रोथ रेट अनुमान फाइनेंशियल 20 और में 6% और फाइनेंशियल 21 में 6.9% रहने की बात कही, कौन से ऐसे संस्थान थे जिसने ये बात कही। तो कल आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक था जिसने ये मतलब घटा करके ग्रोथ रेट बताई है, वापस इवेल्युएट करके। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, USA में है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, क्रिस्टलिना है, और ADB जी यहाँ पे जो दिया गया है, ADB के बारे में क्या मैंने आपको बताया था,
इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे मैंने बताया था, मेट्रो मनीला फिलीपींस, मंडालुएंग मेट्रो मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है। और क्या कहते हैं इसकी जो मेंबर कंट्रीज 68 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। जो लास्ट वाला बना है कौन है, न्यू बना है। न्यू की कैपिटल क्या है, अलोफी, और करेंसी क्या है वहाँ की, डॉलर। मैं देखिए जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे आप लोग भी इसको इंटरलिंक करते जाया करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही वो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्यम मंत्री कौन है, जितना इतना मैंने बताया आपको तुरंत आप समझ गए होंगे, नितिन गडकरी जी की बात है। नितिन गडकरी नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक फास्ट टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। बाकी लोगों की हम मिनिस्ट्री देख लेते हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। याद ध्यान दीजिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर मतलब कि जो जहाज रानी वगैरह, सॉरी विमान वगैरह संबंधित, एयरपोर्ट वगैरह संबंधित, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। आर के सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री है, और क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आरा बिहार, ठीक है, आरा बिहार से हैं। नितिन गडकरी की मैंने आपको बता ही दिया। प्रहलाद सिंह पटेल कल मैंने आपको बताया था कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है। और प्रहलाद जोशी जी के बारे में ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करिए, अपनी फीडबैक जरूर दिया करिए, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगी आपके लिए। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, याद कराने की जिम्मेदारी पूरी पूरी मेरी है, ठीक है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज श्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के राज्यपाल किस कौन थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो आप सीधे जवाब देंगे सर डी लालजी टंडन। बाकी लोग को भी हम देख लेते हैं। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ, कल मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। फागू चौहान कहाँ के, मैंने आपको कल नहीं बताया, आज बता रहा हूँ बिहार के हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ये कहाँ की हैं, ये तेलंगाना की है। लालजी टंडन MP बताया। कलराज मिश्र कहाँ के, ये राजस्थान के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के जो CM है उनका नाम क्या है, देवेंद्र फडणवीस। बिहार के जो CM उनका नाम क्या है, नीतीश कुमार, ठीक है। और तेलंगाना के जो CM उनका नाम क्या है, श्री चंद्रशेखर, सॉरी के चंद्रशेखर, ऐसे कुछ नाम है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। लालजी MP के जो CM है इसमें उनका नाम क्या है, कमलनाथ, ठीक है, ये कांग्रेस के हैं। और राजस्थान में इसमें CM कौन है, अशोक गहलोत। इतनी चीज़ें क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने .. में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। कहाँ इन्होंने कल भाग लिया था, ब्राज़ील में, मैंने आपको बताया था ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया, बस आगे आपको जोड़ देना है, ठीक है। और सॉरी रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को, यहाँ करेंसी रूबल। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटवा, करेंसी डॉलर। स्पेन की वो कैपिटल क्या है, मैड्रिड। और फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, यूरो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत और जापान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास .. का आयोजन 19 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक भारत के वैरेंट में स्थित काउंटर एजेंसी वॉरफेयर स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। वो कौन सी एक्सरसाइज है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग को याद आ रहा होगा धर्म गार्जियन का भी हाल ही में जो है ये आयोजन होने वाला है। सिंधु मैत्री किसके साथ है भारत की एक्सरसाइज, अभी मैंने आपको पीछे बताया था जापान के साथ ही है। मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जापान के साथ भारत की। और बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर की है, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर की। और सूर्य किरण जो है भारत की, इंडिया नेपाल की, इंडो नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड एवरी, कितनी तारीख को, हर साल कौन कितनी तारीख को ये मनाया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, कल मैंने बताया था, ठीक है। एस स्प्रिंटर दुति चंद जिन्होंने 200 मीटर रेस 59वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स इवेंट 2019 में गोल्ड मेडल जीता, वो किस राज्य से हैं। कल आप जब न्यूज़ पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पर राज्य भी बताया था आपको, तो किस राज्य से, रांची, ठीक है। रांची के CM कौन है, आप लोग याद करने की कोशिश करिए, रघुवर दास। और वहाँ की जो गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। बिहार का कौन, मैंने अभी बताया आपको, फिर से हम लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार। और वहाँ के जो क्या कहते हैं गवर्नर हैं आपके, फागू चौहान, ठीक है। तेलंगाना कौन है, मैंने बताया था अभी आप लोगों, चंद्रशेखर CM है। और वहाँ के गवर्नर जो है तमिलिसाई सौंदरराजन है। आंध्र प्रदेश के YSR जगनमोहन रेड्डी। और वहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और राजस्थान का मैंने आप लोगों को बताया था अशोक गहलोत वहाँ के CM है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट,
देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ है। हम न्यूज़ पर आ गए हम लोग। इंटरनेशनल डे फॉर रूरल ऑफ रूरल वुमेन इन ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इसकी थीम इस बार क्या रही थी? रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। नेक्स्ट कल कौन सा डे था याद करिए, याद करने की कोशिश करिए। कल कौन सा डे था जो मैंने आपको बताया था 13 अक्टूबर वाले डेट का? इंटरनेशनल डे ऑफ डिस्क डिजास्टर, रिड्यूस डिस्क डिजास्टर, सॉरी। सेकंड है आरबीआई इंपोज्ड अ पेनल्टी ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक रुपीज 1 करोड़ एंड सिंडिकेट बैंक रुपीज 75 करोड़। जो बैंक्स में निरंतर होने वाले जो लोन फ्रॉड्स हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए जो आरबीआई ने रूल्स की अपनी लिस्ट दी थी बैंकों को, जिन बैंकों द्वारा उसका उनकी अवहेलना उसका उल्लंघन किया जा रहा उन पर इस तरीके से आरबीआई जो है पेनल्टी इम्पोज कर रहा है। तो ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड थी, कल की न्यूज़ थी तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा, DPIIT के सचिव कौन है? गुरुप्रसाद महापात्रा ने आज नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा अधिकारों इंटेलिजेंस असेट्स राइट्स ठीक है पर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन अपने नवोत्पादों को संरक्षित सुरक्षित करना रखना और सीखें और बढ़ाएं, इस चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट की शुरुआत की गई है। ठीक है, DPIIT के जो सचिव कौन है? गुरुप्रसाद महापात्रा, याद रखिएगा। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित 60वें विश्व मानक दिवस का उद्घाटन किया। अब यहाँ पे जो आज लिखा है इससे आप लोग ये मत समझिए 15 अक्टूबर, ये 14 अक्टूबर की बात हो रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि आज अगर मैं आप लोग को सुबह सेशन बना रहा हूँ तो इसका मतलब कि जो खबर रहेगी वो एक दिन पहले की रहेगी। ठीक है, ये करंट अफेयर का मतलब यही होता ही है। सॉरी, अब इससे आप लोग क्या समझेंगे यहाँ पे कि उपभोक्ता कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कौन है? रामविलास पासवान जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की समुद्र पारी तैनाती के अंग के रूप में पहला प्रशिक्षण बेड़ा 14-17 अक्टूबर 2019 तक दारेसलाम और जंजबीर का दौरा करेगा। ये कहाँ पर है दारेसलाम और जंजबीर कहाँ पर है? ये तंजानिया में पड़ता है। इसके तहत भारतीय नौसेना के पोत तीर सुजाता और शार्दुल तथा भारतीय तटरक्षक पोत सारथी इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, तटरक्षक और कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है इसमें? के नटराजन है। इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है? के नटराजन है। इंडियन मिलिट्री के चीफ कौन है? बिपिन रावत है, आप लोगों को पता होगा। और जो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के बने हैं उनका नाम क्या है आप लोग याद कर जरा? RS भदौरिया। ठीक है, RS भदौरिया जी। एक मिनट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इंडियन एयरफोर्स के आपके सामने कौन है? ये RS भदौरिया, इंडियन नेवल शिप के। इसमें कन्फ्यूजन, मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर करके बता दूंगा। भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार फ्रांस के एस्थर डुफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली जो स्लाइड है मैंने बनाई है वो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको फोकस करना है कि इस बार जो नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं वो किसको किस क्षेत्र में दिए गए उसके बारे में। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए कि इंडियन हैं। ठीक है, इस वजह से उन्हें यह पुरस्कार फ्रांस के एस्थर डुफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। अगली स्लाइड हम देखते हैं इसके बारे में। फिजिक्स में देखिए किसे किसे मिला है नोबेल प्राइज इस बार? जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डीडियर क्वेलोज। ठीक है, फिजियोलॉजी में किसे मिला है? कैलिन रेडक्लिफ और सेमेंजा। देखिए, याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप लोग सुनते रहिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। केमिस्ट्री में कौन मिला? जॉन बी गुड एनफ को, एम स्टैनले विटिंगम को एंड अकीरा योशीना को। लिटरेचर में किसको मिला? पॉलिश राइटर ओल्गा टोक्रैक्जुक थे जिन्हें बुकर प्राइज मिला, बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला, और ऑस्ट्रियन राइटर पीटर हैंडेक थे जो जिन्हें 2019 का मिला और उनको 2018 का मिला। इसी साल दोनों साल का दिया गया है लिटरेचर का अवार्ड। और नोबेल प्राइज प्राइज में एथियोपिया के पीएम अभी अहमद अली को मिला। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है तो आप लोग सीधे बताएंगे पीबल्स, मेयर, क्वेलोज। एक सेंटेंस में करेंगे पीबल्स, मेयर और क्वेलोज। ठीक है, फिजियोलॉजी में किसे मिला? कैलिना रेडक्लिफ सेमेंजा, याद करिए, कैलिना रेडक्लिफ सेमेंजा। ठीक है, फिजियोलॉजी में किसे मिला? कैलिना रेडक्लिफ सेमेंजा। फिजिक्स में किसे मिला? पीबल्स, मेयर और क्वेलोज। केमिस्ट्री में किसे किसे मिला? देखिए लास्ट के बाद याद करिए, एनएफ विटिंगम याशिनो। केमिस्ट्री में किसे मिला? एनएफ विटिंगम याशिनो। ठीक है, वापस देखते हैं हम लोग, फिजिक्स में किसे मिला? पीबल्स, मेयर, क्वेलोज। फिजियोलॉजी में किसे मिला? कैलिना रेडक्लिफ सेमेंजा।
और केमिस्ट्री में किसे मिला है, एनफ विटिंगम यशिनो। ठीक है, ऐसे याद करें तो याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए तीन ही देखते हैं आज हम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार की बोर्ड की बैठक के बाद जिम्बाब्वे और नेपाल को अपने सदस्य के रूप में फिर से शामिल करने का फैसला किया है। इन दोनों को हटा दिया गया था कुछ गवर्नमेंट रीजन की वजह से, अब इसको वापस ला दिया गया है। आईसीसी के जो चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर। ठीक है, नेक्स्ट, सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे ही दूसरे पूर्व कप्तान होंगे जो पूर्णकालीन अध्यक्ष के तौर पर बीसीसीआई कमान संभालेंगे। बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट के रूप में सौरव गांगुली को चुना गया है। इसमें और भी अपॉइंटमेंट थी जो हम आपको कल उसका पूरी तरीके से दे देंगे। सौरव गांगुली फिलहाल क्या बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से कनाडियाई लेखक मार्गरेट एटवुड को, द टेस्टामेंट और एंग्लो नाइजीरियाई लेखक बर्नार्डिन एवरिस्टो को गर्ल वुमेन ऑर्डर के लिए दिया गया है। ठीक है, वापस देखते हैं। फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से कनाडियाई लेखक मार्गरेट एटवुड को, द टेस्टामेंट और एंग्लो नाइजीरियाई लेखक बर्नार्डिन एवरिस्टो को गर्ल वुमेन अदर के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट विल सेटअप एन यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। दिल्ली सरकार है वो स्किल कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक अलग सी यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। अब आपके लिए जनरल चीज़ के कौशल विकास और उद्यमिता के मंत्री कौन हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दो, महेंद्र नाथ पांडे, इसमें भारत सरकार में मंत्री, इनके पास ये मिनिस्ट्री है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, चंदौली उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंदौली उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गवर्नर्स की लिस्ट, आनंदीबेन पटेल इसमें कहाँ की गवर्नर, उत्तर प्रदेश की। रमेश बैस कहाँ के, त्रिपुरा के। जगदीप धनखड़ कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। फागू चौहान कहाँ के, बिहार के। लालजी टंडन MP, आर.एन. रवि नागालैंड। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र। तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना। और विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश। अब हम लोग यहाँ के CM को रिकवर करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं जानने की, उत्तर प्रदेश CM कौन है इस समय, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। त्रिपुरा के CM कौन है इस समय, बिप्लव कुमार देव। और गवर्नर वहाँ के रमेश बैस, यहाँ लिखा है। वेस्ट बंगाल कौन, ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़। बिहार कौन, नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। मध्य प्रदेश कौन है, कमलनाथ। गवर्नर लालजी टंडन। नागालैंड कौन, नेफ्यूरियो। गवर्नर आर.एन. रवि। महाराष्ट्र कौन है, देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तेलंगाना कौन है, चंद्रशेखर। और यहाँ पे तमिलसाई सौंदरराजन। और आंध्र प्रदेश कौन है, YSR जगनमोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के गवर्नर है। तो जैसे मुझे टिप पे लर्न है, वैसे आप लोग को भी लर्न होना चाहिए। बस आप लोग फोकस रहिए सेशन पे। अब ये स्टैटिक में आपके लिए क्या है, थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करिए कि जितने भी कंट्रीज सामने आपको नजर आ रहे होंगे, शायद पहली बार आप इनका नाम सुनेंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट यही होता है। अब आपसे कोई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का नहीं पूछेगा, जो कि सबको पता ही, उससे का नहीं पूछेगा, वही पूछेगा जो लोग नहीं ध्यान देते, लोगों को पता नहीं है। ठीक है, अल्जीयर्स कंट्री है, उसकी कैपिटल है अल्जीरिया कंट्री है, उसकी कैपिटल है अल्जीयर्स, और वहाँ करेंसी है दिनार। ठीक है, अंगोला कंट्री है, लुआंडा कैपिटल है, और क्वांजा उसकी करेंसी है। बेनिन कंट्री है, पोर्टो नोवो उसकी कैपिटल है, और फ्रैंक वहाँ की करेंसी है। बोत्सवाना कंट्री है, गैबरोन उसकी कैपिटल है, और पुला उसकी करेंसी। और बुर्किना फासो उसकी कंट्री है, ओगाडागू कैपिटल है, और फ्रैंक वहाँ की करेंसी है। ठीक है, लर्न कैसे करना है, अल्जीरिया अल्जीयर्स दिनार, अंगोला लुआंडा क्वांजा, बेनिन पोर्टो नोवो फ्रैंक, बोत्सवाना गैबरोन पुला, बुर्किना फासो ओगाडागू फ्रैंक। ये मैं इतना फास्ट बोल भी ले रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है पढ़ के बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, आप भी पढ़ के कोशिश करिए, इतना तेज आप नहीं बोल पाएंगे, तभी बोल पाएंगे जब आपको लर्न रहेगा टिप पे आपके। ठीक है, तो कोशिश करिए, धीरे धीरे चीज़ें आपकी मैनेज होती रहेंगी। तो आज का सेशन हम यहीं पर अपना अंत करते हैं, और इसके बाद सेशन कैसा रहा आप लोग हमें इसकी जानकारी पूरी तरीके से देंगे, और जो फीडबैक आपने वो ज़रूर दी, क्या क्या कमियाँ रही हुई बताएगा, और फोकस रहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। थैंक यू।